अभी चर्चर करना अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर हल्दी का प्रोग्राम दुल्हन का स्टार्ट हो चुका है, तो हल्दी और निहारी का दोनों का प्रोग्राम अभी एक ही साथ में आएगा। तो यहाँ पर अभी दुल्हन की जो रस्में थी वो स्टार्ट हो गई थी, इसमें से कुछ रस्में मिसिंग हो गई है मुझसे, तो जितना हो सका उतना मैंने रस्में इसमें डालने की कोशिश करी हूँ। तो यहाँ पर ये दुल्हन को सेहरा बांधा जाता है हल्दी के पहले, तो वो सेहरा वगैरह बांधे और रस्में किए दुल्हन की। उसके बाद हम लोग निकल निहारी ले जाने के लिए निकले थे। तो निहारी यानी कि दुल्हन के घर से दूल्हे के घर पर जाती है, यानी कि दूल्हे को जहाँ जनवासा देते हैं वहाँ पर, तो उसके लिए हम लोग सब जा रहे थे। तो रात को ये करीबन 1:30 बजे का 2 बजे का टाइमिंग हो रहा था। हम लोग निहारी लेकर के दूसरे जगह जनवासे पे गए थे। तो वहाँ पर जनवासे पर जाने के बाद में नहीं किया, वहाँ पर दूल्हे को जो निहारी खिलाते हैं उसकी सारी रस्में स्टार्ट हो रही थी। तो हम लोग जनवासे पर पहुंच गए हैं। बाकी का निहारी का मैं आपको दिखा चुके। निहारी में जैसी सेवई का जर्दा है और दही बड़े लेकर के आए थे हम लोग, शाहपसन लेकर के आए थे, मेहंदी लेकर के आए थे, सूखे पापड़ थे, ये सब जो डेकोरेट किए वो है। और फिर दूल्हे के लिए नहीं क्या कंघी वगैरह लेकर के आए थे वो है। साथ ही यहाँ पर नहीं क्या हम लोगों ने हल्दी लेकर के आए थे दूल्हे के लिए, दुल्हन के घर की जो वो थी, केक लेके आए थे, साथ ही फूलों का हार था दूल्हे के लिए। तो ये सब नहीं क्या निहारी भी हमारे तरफ से दूल्हे वालों के लिए आता है लड़की वालों के तरफ से, तो वो सारा सामान यहाँ पर अच्छे से डेकोरेट करके लेकर के आए थे। फिर यहाँ पर नहीं क्या दूल्हे को निहारी खिलाई जाती है। तो दूल्हे को निहारी एक तो साला खिलाता है, मतलब जो लड़की का भाई रहता है वो, या तो फिर नहीं क्या बहन खिलाती है। तो यहाँ पर निक्या भांजे ने खिलाया था, मतलब कोई दूसरी साली ने सिर्फ मेहंदी लगाई थी यहाँ पर, और भांजे ने निहारी खिलाया था, क्योंकि निहारी के टाइम पे हंसी मजाक होती है। फिर वो दूल्हे वाले जो है ना वो पैसे देते हैं निहारी खिलाने के लड़के को, लड़की वालों को। और हल्दी जो लगा सॉरी हल्दी बोल रही हूँ जो निहारी खिलाते हैं और मेहंदी लगाते हैं, उसके पैसे भी दिए जाते हैं लड़की वालों को, मतलब शगुन के तौर पर 500, 1000, 200 रुपये ऐसा देते हैं। और उसमें हंसी मजाक होती है मेहंदी लगाने में वगैरह, तो सब बहुत मजा आता है वो प्रोग्राम में। अब जितने को मारेगा ना उतने को रुमाल देना पड़ता है सबको, बता दीजिए। पर पैसा बोले ना यार, ये क्या हो गया अभी? पहले परफ्यूम देखिए, मैं इधर रखती थी यहाँ पर, परफ्यूम नहीं पड़ी है मेरा। लाने के लिए खाते एडजस्ट करना पड़ेगा जीजू, नहीं है ना दूध, डेरी पास हुई थी सुबह मिलेगा। जाएंगे जाएंगे जीजू, एडजस्ट करो। क्या है
अच्छे से तो ये अभी हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हो गया था, सॉरी मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो गया था, तो मेहंदी लगा रहे हैं और फिर वो पैसे देंगे, उसी के बाद में लड़की हाथ छोड़ेगी, मतलब जो साली है वो हाथ छोड़ती है दूल्हे का। और आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये मेहंदी फंक्शन का और निहारी फंक्शन का जो व्लॉग था ये बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। अभी तक के दूल्हे ने पैसे ही नहीं दिया था तो उसी वजह से हाथ नहीं छोड़ रहे थे। जब वो पैसे दे देते हैं तो खुद ब खुद हाथ छोड़ देते हैं, वरना अगर दूल्हा चाहे तो झटके से भी हाथ छुड़ा सकता है, अगर छूट गया तो फिर पैसे नहीं मिलते और पकड़ के रखेंगे तो पैसे मिल जाते हैं, ऐसा रहता है। तो ठीक है, मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।